तो दोस्तों अभी HP लेजर जेट 700 M712 एम 712 प्रिंटर में ये एरर आता है, 13.fff पेपर जैम। तो देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करते हैं। और डुप्लेक्स में जब आप पेपर देते हो तो डुप्लेक्सर यूनिट में पेपर जैम हो जाता है, तो आपको क्या करना होता है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले ये सारे पेंच खोल लीजिए ऐसे, ठीक है, ये आपको खोलने हैं सारे पेज। उसके बाद से आपको क्या करना है, ये लॉक होता है, यहाँ से अच्छे से यहाँ से प्रेस करेंगे खुल जाएगा, यहाँ ऐसे प्रेस करेंगे यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि जो इसके स्प्रिंग हो उस वो निकले ना कहीं से, और ये वाली जो केबल आपको निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको डुप्लेक्सर यूनिट को क्लीन कर लेना अच्छे से, तो जिससे कि पेपर आपका इसी अटक जाता है, इसमें रोलर लगा होता है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका फिर डुप्लेक्स जो आप कमांड देंगे वो जैम नहीं होगा। देखिए तो दो स्प्रिंग होता है मेनली, इसमें आपको क्या करने होते हैं, देखिए यहाँ पे लगा होता है, तो इस साइड में भी यहाँ पे लगा होगा, देखिए इस साइड में ये जो स्प्रिंग है यहाँ पे इस लॉक में लगा रहता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान से देखना है ये मिसिंग ना हो, और इस रोलर को अच्छे से क्लीन करना है, और इसको भी, ठीक है। और ये जो डस्ट दिख रहा है आपको, ये इसको अच्छे से क्लीन करना है, ठीक है। क्लीन करने के बाद जो आपको यहाँ पर डस्ट वगैरह दिख रहा है, और ये रबड़ पे देखिए थोड़ा सा ये गम वगैरह टाइप का लगा होता है, तो इसको हम क्लीन कर लेंगे, ठीक है। और बेल्ट की फिजिकल कंडीशन चेक कर लेंगे, गियर वगैरह की, ये रोटेट कर रहा है नहीं कर रहा है, देखिए बिल्कुल रोटेट कर रहा है, जब मैं यहाँ से घुमाता हूँ तो ये भी घूम रहा है, ठीक है, ये देखिए, ओके। और ये भी हमारा रोलर सेंसर भी क्लीन होना चाहिए, नीड टू क्लीन, ठीक है। तो चलिए एक बार क्लीन करके देखते हैं, तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा क्लीन करते ही। तो आपको कॉटन लेना अच्छे से, इसको रबड़ के आइसो के थ्रू या वाटर के थ्रू क्लीन करना अच्छे से, ये देखिए देखिए जब मैं क्लीन कर रहा हूँ तो ये जो जिस पे ब्लैक ब्लैक सा आपको दिख रहा होगा ये हटता जा रहा है, देखिए यहाँ पे ब्लैक सा गम लगा हुआ है, देखिए गमिंग आ गया, तो जो इसके वजह से भी ये क्या होता है स्लिप हो जाता है या चिपक जाता है इसी में, तो इसको अच्छे से हम क्लीन कर लेंगे ऐसे रोटेट कर करके, ये देखिए, ओके। तो यहाँ पे हमने रोटेट करते करते उसको यहाँ पे ये देखो अच्छे से क्लीन कर लेना, आपको क्लीन करने के बाद फिर आपको ट्राई लगा देना है, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं क्लीन कर रहा हूँ, उसके बाद से लगा के दिखाऊंगा। बारीकी से क्लीन करना आपको पेशेंस रखते हुए, और इसको भी हम क्लीन करेंगे अच्छे से, यहाँ पे डस्ट नहीं होना चाहिए। डुप्लेक्सर ख़राब नहीं होता, ये रबड़ वगैरह भी गियर वगैरह ख़राब हो सकते हैं, बट डस्टिंग ज़्यादा इशू आता था, कुछ ख़राब जल्दी होता नहीं वो भी। तो आप इसको क्लीन करिए अच्छे से इसे, ये देखिए इतनी गंदगी निकली इस कॉटन में, तो इसको अच्छे से क्लीन करके हम दोबारा कॉटन दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, इसको भी हम अच्छे से क्लीन करेंगे, ये सेंसर वगैरह, ये देखिए यहाँ गंदगी निकल रही है, ये
एक बार क्लीन करके पैक करके आपको दिखाते हैं दोस्तों। इसके बाद इसके ऊपर अपर वाले को भी क्लीन करना है और इसको फिर से आपको सीधा तरीके से यहाँ पे लगाना है स्ट्रेट। यहाँ पे देखिए हम ऐसे लगाएंगे बिल्कुल केयरफुली। उससे पहले हम ये जो केबल है इसको हम यहाँ से एंटर करेंगे, ठीक है। ये जो केबल है यहाँ से हम क्या करेंगे, इन कर लेंगे ये वाली केबल, ठीक है। ये देखिए ये वाली केबल को हम यहाँ से इन कर लेंगे। इन करने के बाद और स्प्रिंग हम ध्यान से देंगे, देखेंगे कि स्प्रिंग निकलना नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक लॉक होता है, स्प्रिंग भी जाके इसी में लॉक में लगेगा, एडजस्ट होगा, ठीक है। तो हम इधर के अलाइन करेंगे इस एरिया से 712 में यही होता है। इसी तरह से एक और पेंटर होता है उसमें भी सेम इससे डुप्लेक्सर होता है। तो हम डुप्लेक्सर का एक स्प्रिंग निकल गया था यहाँ पे, तो हम लगा सकते हैं यहाँ से इस इधर का हिस्सा उठाने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर डुप्लेक्सर का स्प्रिंग लग चुका है। अब इसको हम फिट करते हैं यहाँ पर लॉक में अलाइन करके। देखिए यहाँ पर अलाइन हो चुका है, ठीक है। और इधर का हम लॉक अलाइन कर लेंगे, फिर हम इसका पेच लगा लेंगे। ये देखिए हमने पेच यहाँ पे मैच करना चाहिए होल, ये देखिए मैच कर रहा है सब ध्यान से। और आराम से हम इसको पेच लगा के फिर हम चेक करेंगे। तो एक बार चेक लगा लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक। तो दोस्तों पैक हो चुका है, अब इसको डुप्लेक्सर को हम लगा के देखते हैं। तो ये डुप्लेक्सर यहाँ पे लगता है बैक साइड से, आप देखेंगे इस हिस्से को यहाँ से आपको लगाना है ऐसे, ये बैठ जाएगा, ठीक है। और ये जो पेपर जैम का एरर आ रहा है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ओके। तो हम क्या करेंगे, एक बार टोनर का एरिया ये कवर पैक करते हैं निकाल के। इनपुट ट्रे 3 जाम दिखा रहा है, ठीक है। तो एक बार हम इसको रियर खींचेंगे और यहाँ पे हमारा एक यूनिट होता है, ये देखिए इसमें भी पेपर कई बार जैम होता है, तो इसका भी इसमें इस एरिया में तो भी एरर देता है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे और इसको ऐसे बंद कर देंगे, ठीक। और ट्रे 3 कौन सा है, नीचे वाला, इसका जैम दिखा रहा है, ठीक। एक बार प्रिंटर को बंद करके चालू करके देखते हैं, इनिशियलाइज होने के बाद फिर दिखाते हैं आपको। अंत तक बने रहिए, आपको पता चल जाएगा इसमें। अब हो चुका है ऑन करेंगे, देखिए इंजन वगैरह रोलर वगैरह मूवमेंट कर रहा है, ये देखिए घूम रहा है। रिस्टार्ट करना पड़ता है इसके इसमें एरर में। अब ये इनिशियलाइज होगा, 1-2 मिनट टाइम लेता, फिर हम इसे कंटिन्यू करके दिखाएंगे आपको प्रिंट देके। मॉडल आप देख ही सकते हैं 712 700 M712 इनिशियलाइजेशन हो रहा है। देखिए दोस्तों इनिशियलाइज हो चुका है, बोल रहा है ट्रे 2 एम्प्टी है लीगल के लिए, तो कोई इशू नहीं है, हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे जाएंगे, ओके, प्लीज वेट। और रिज्यूम के लिए बोल रहा है, जो पहला जॉब कैंसिल था तो हम वो दिया हुआ था, यहाँ ओके कर देंगे, ठीक है। रेडी हो गया और हम यहाँ से चलते हैं, सिस्टम से कमांड देते हैं अपने M712 यहाँ डिटेक्शन में आ गए, ओके। अब चलते हैं एक्सेल सीट पे, प्रिंट करते हैं यहाँ पे फाइल प्रिंट। यहाँ वन साइडेड है, यहाँ बोथ साइड करेंगे, सेलेक्टेड सीट करेंगे और प्रिंट बोथ साइड, ओके। टेस्ट पेज करेंगे यहाँ से, देखिए और देखिए यहाँ पे कमांड आ चुका है, ये देखिए प्रोसेसिंग और ये देखिए प्रिंटिंग, ओके। यहाँ से निकलेगा, ये देखिए डुप्लेक्स के लिए इन लिया और देखिए बाहर आ गया,
डुप्लेक्स होके, ठीक है। ये देखिए निकल चुका, कोई पेपर जैम नहीं हुआ, दूसरा आया डुप्लेक्स होके बाहर आ गया। देखिए हमने क्लीन किया और प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट करके बताइए, कोई भी प्रॉब्लम्स आपको आए तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।